दोस्तों, अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको एजुकेशन डिटेल्स में क्या डिटेल्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, कैसे आपको दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना है, क्योंकि इस बार आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर दोनों पोस्ट का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है और जितने भी पहले के ऑप्शन आ रहे थे वो सभी ऑप्शन यहाँ पर चेंज किए जा चुके हैं। तो किस तरीके से आपको यहाँ पर आगे की डिटेल्स फिल करनी है ताकि आपका फॉर्म बिल्कुल सही तरीके से फिल हो जाए और फॉर्म रिजेक्ट वगैरह ना हो और आपके फॉर्म में कोई गलती वगैरह भी ना हो, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐप की जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप में से भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक ऐप की लिंक डाल रखी है, उसको आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट मंगाना है अमेज़न से, अब मैं डायरेक्ट इस ऐप को ओपन करूंगा, यहाँ पर भी मुझे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं अमेज़न पर जाकर वो प्रोडक्ट सर्च करके मंगा सकता हूँ। अब अगर मैं इस ऐप के थ्रू मंगाऊंगा अमेज़न ओपन करके, तो ये ऐप डिटेक्ट कर लेगा और ट्रैक कर लेगा क्या मैंने सामान मंगाया है और उस पर कुछ रेफरल अर्निंग वगैरह, यानी कुछ एक तरीके से बोलूं तो कमीशन वगैरह यहाँ पर इस ऐप में लौट कर आ जाएगा, जो कि आपके इसके वॉलेट में इकट्ठा होता रहता है। और जब वो 200-250 रुपए के आसपास हो जाए तो इसके बाद आप इसे कमीशन को विड्रॉल कर सकते हैं बड़े आराम से, ये अमेज़न पे में चला जाता है और उसका आप आगे चल के यूज कर सकते हैं रिचार्ज वगैरह में और कोई सामान वगैरह मंगाने में। तो काफ़ी अच्छा और काम का ऐप है, आप जितनी भी इससे शॉपिंग वगैरह करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर पैसा बचाने का मौका मिल जाएगा और इस ऐप के थ्रू कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह भी नहीं लगता है, तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको नजर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो यहाँ पर फिल हो रही है उस वाले पेज पर आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप 12th से अपने फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद इंग्लिश एंड विथ और विदाउट फिजिक्स एंड मैथ, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। अगर आपके पास इंग्लिश तो कंपलसरी होनी चाहिए 12th में, इसके बाद अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ है तो उससे भी आपको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ नहीं है तो इसके लिए भी आपको यही वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास जो 3 साल का इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा जा रहा है वो वाला है तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोई कोर्स वगैरह कर रखा है आपने फिजिक्स मैथ जिसमें सब्जेक्ट वगैरह रहता है तो उसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर बोर्ड वगैरह ये वाला दे रखा है। तो मैं यहाँ पर आपको 12th के लिए डिटेल्स वगैरह फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप 12th के टास्क के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है तो नीचे ये डिटेल्स लिख कर आ रही है, मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पर डिटेल्स चेंज हो जाएंगी। मैं यहाँ पर ये वाला वापस कर देता हूँ, यहाँ पर लिख कर आ रहा है यू हैव डिक्लेयर्ड दैट पास 12th क्लास इंटरमीडिएट एग्जाम 50% कंसीडर एजुकेशन बोर्ड्स। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों कम से कम 50% आपकी 12th के एग्जाम में है तो आपको यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा भैया आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए, तो आपको यस करके यहाँ पर फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। आपको देख लेना आपकी 12th में 50% से ऊपर होनी चाहिए। अब नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों यू हैव डिक्लेयर एस पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपने फिजिक्स और मैथ में पास हैं या फिर नहीं है। यहाँ पर साफ साफ वो पूछ रहे हैं आप फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में पास हैं या फिर नहीं है, या फिर आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था या फिर नहीं था, तो मैं यहाँ पर नो करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा आर्ट साइंस कॉमर्स का। अगर मैं यहाँ पर यस करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बदल जाएंगे, आर्ट्स का ऑप्शन आपके पास से हट जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर कॉमर्स का भी आपके पास से ऑप्शन हट जाएगा, सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो सिर्फ साइंस का बचेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हों उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास मतलब साइंस ग्रुप नहीं था तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, अगर आपके पास साइंस ग्रुप था तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर साइंस वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है अगर आपके पास फिजिक्स और मैथ था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्रुप अप्लाई करने के लिए, अब देखना है दोस्तों मैं यहाँ पर अगर नो करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आर्ट साइंस और कॉमर्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं यहाँ पर आर्ट लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके पास अदर देन साइंस सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। अब यहीं पर मैं अगर साइंस सिलेक्ट करता हूँ तो भी यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर यस करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन बदल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर यस कर दिया मैंने, यहां पर मैं साइंस लगा देता हूं तो यहां पर मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे साइंस सब्जेक्ट वाला अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला और एक ऑप्शन और आएगा बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो यहां पर ये वाले ऑप्शन इसलिए हैं दोस्तों अगर आपके पास साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहां पर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अगर आपके पास नॉन साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आप ये वाला आर्ट्स में भी जा सकते हैं कॉमर्स से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास साइंस नहीं है तो आपने आर्ट्स से कर रखी होगी या फिर कॉमर्स से कर रखी होगी, इन दोनों में से आपको ये वाला लगाकर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से थे तो आपके पास यहाँ पर दोनों ऑप्शन बचते हैं, आप चाहें तो साइंस सब्जेक्ट वाला भी मतलब जो आगे ग्रुप चुनना है वो चुन सकते हैं, इसके बाद अदर देन साइंस ग्रुप सब्जेक्ट वाला भी ग्रुप चुन सकते हैं, जिसको टेक्निकल में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं है तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला भी ग्रुप चुन सकता है, उसके बाद चाहे तो वो दोनों ही
ग्रुप चुन सकता है। तो यहाँ पर बोथ साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट का आपको ग्रुप देखने के लिए मिल जाए, तो उसमें दोनों के ये वाले ऑप्शन टिक हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर दोनों वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी दे रखी है। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पर ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। इसके पेज नंबर 1 पे ही दोस्तों आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा आना है, यहाँ पर आपको नोट 1, नोट 2, नोट 3 लिखे हुए मिल जाएंगे। इसको मैं जूम करके थोड़ा सा समझा देता हूँ, यहाँ पर डिटेल्स दे रखी है इसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर साइंस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन, यानी कि जो जिसने मैथ या फिर फिजिक्स सब्जेक्ट वगैरह ले रखा था इसमें, चाहे वो यहाँ पर इंटरमीडिएट हो, 12th हो, या फिर 3 साल का डिप्लोमा वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह भी हो, कोई भी हो, जिसके पास फिजिक्स और मैथ वगैरह ग्रुप है, आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो वो यहाँ पर अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन आएगा उनके पास, उसके लिए भी एलिजिबल रहेंगे। एंड वुड बी गिवन एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन बोथ साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। तो उनके पास एक ऑप्शन आएगा, वो यहाँ पर बोथ वाला भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट वाला और अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाला, जब वो अपने रजिस्ट्रेशन या फिर फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपको नजर आ रहा है दोनों ऑप्शन उनके पास आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। भले ही मेरे पास सिर्फ साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पर दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास चॉइस है ये वाली। अब यहाँ पर नीचे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है, किस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर परसेंट फिल करनी है, ये भी 12th की परसेंट दोस्तों यहाँ पर फिल करनी है आपको, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 12th की आपको प्रॉपर परसेंट फिल करनी है। 12th में मान लीजिए मेरी 79.90 आई है, तो यहाँ पर मुझे 79 ही फिल करना पड़ेगा, भले 0.90 लगी है या फिर 0.99 लगा, मैं यहाँ पर 80 फिल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर 79 ही फिल करना पड़ेगा। जैसे नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपकी 59.99 भी परसेंट बनी है तो भी यहाँ पर आपको 59 ही फिल करना पड़ेगा, आपको 60 फिल नहीं करना है यहाँ पर, और डेसिमल वगैरह यहाँ पर अलाउ नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं परसेंट अपनी डाल देता हूँ 79। इसके बाद नीचे यहाँ पर 12th की ओरिजिनल मार्कशीट स्कैन करके अपलोड करनी है, यहाँ पर इन्होंने दोस्तों लिख दिया है, जो भी स्कैन वगैरह आप करेंगे यहाँ पर फोटो कॉपी आपको नहीं लगानी, ओरिजिनली स्कैन करके लगाना है। 10th की भी आपको ओरिजिनल लगानी थी आगे, और उसके बाद 12th की भी आपको ओरिजिनल लगानी है। तो अभी जितनी भी मार्कशीट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वो सभी यहाँ पर आपको ओरिजिनल ही लगाने हैं। अब नीचे यहाँ पर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी परसेंट बनी है, इंग्लिश सब्जेक्ट प्रॉपर में आपको कितनी परसेंट बनी है, परसेंट कैसे देखते हैं, कई कैंडिडेट बोलेंगे भैया इंग्लिश में मेरी परसेंट है नहीं, मुझे तो यहाँ पर नंबर दे दिए 50, 100 में से मेरे नंबर आए हैं 50, तो मैं यहाँ पर 50 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनके 80 में से या फिर 70 में से 50 नंबर आए हैं, तो उनको यहाँ पर परसेंट निकालनी पड़ेगी उसकी, 100 में से उसके कितने बन रहे हैं वो यहाँ पर उनको फिल करनी है। तो वहाँ पर वो अगर उनके 80 या फिर 70 में से वहाँ पर नंबर दे रखे हैं, तो वो यहाँ पर फिल नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके 50 में से यहाँ पर आउट ऑफ 50 में से यहाँ पर नंबर दे रखे हैं 30, तो यहाँ पर वो 30 फिल नहीं कर सकते, वहाँ पर उन्हें परसेंट निकालनी पड़ेगी, 100 में से उनके कितने नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर वो उनकी परसेंट वगैरह उनकी फिल हो जाएगी। परसेंट में भी आपको यहाँ पर पॉइंट वगैरह नहीं लगाना है, जितने भी नंबर उस हिसाब से आपको फिल कर लेना है। जैसे कोई कैंडिडेट है जिसके 80 में से 60 नंबर आए हैं, तो उसके 100 में से कितने आएंगे उसको परसेंट निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर साइड डिवाइड बाई 80 कर लूंगा, गुणा 100 कर दूंगा, मेरी परसेंट निकल कर आ जाएगी 75, तो यहाँ पर मैं 75 डाल दूंगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मैथ के लिए फिल करना है, इसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे फिजिक्स के लिए फिल करना है। अब नीचे पूछा जा रहा है, क्या आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं, कई कैंडिडेट के पास कंप्यूटर की नॉलेज होगी, तो अगर आप यहाँ पर हाँ कर रहे हैं, तो नीचे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा किस टाइप की आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है। अब जो भी नॉलेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं बेसिक, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस के। अगर मैं बेसिक यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर यस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है, इफ सेलेक्टेड यस ब्रिंग द ड्यूली फिल्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट एस एप्लीकेट एट द फेज 2 टेस्टिंग। तो आपको जो यहाँ पर फेज 2 का टेस्ट वगैरह होगा, वहां पर आपको ओरिजिनल कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी आपने यहाँ पर लगाया है, आपने बेसिक का लगाया है, एडवांस का लगाया है या फिर इंटरमीडिएट का लगाया है, वो आपको यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। अपलोड करने का कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों, सिर्फ आपको लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं। जो यहाँ पर फेज 2 होगा, फेज 2 की टेस्टिंग वगैरह होगी, वहां पर आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर यस तभी करना है जब आपके पास आ गया हो, यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले का आपके पास हो, तो ये आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो, तो आपको यहाँ पर यस नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के आपको निकाल दिया जाएगा, आपको देख लेना है। अगर आपके पास अभी अवेलेबल है और तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है सिंपली। अब नीचे आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है आपके सब्जेक्ट की, जो आपने यहाँ पर 12th की मार्कशीट लगाई है, वो उसके लिए आपने अपने परसेंट वगैरह बढ़ाने के लिए कोई दूसरा एग्जाम दिया था 12th का ही, तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर दोबारा से मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, जो आपकी दूसरी वाली मार्कशीट आई थी। तो अगर आपने नहीं करवाया, मतलब दोबारा से एग्जाम नहीं दिया था 12th वगैरह का, तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नीचे आपसे पूछा जाएगा दोस्तों,
आपने जो आगे की डिटेल्स फिल कर रहे हैं, आपने हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएंगे, आप हायर क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आपकी रनिंग में चल रही है, आपने ट्वेल्थ तो कंप्लीट कर ली है, इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, इंजीनियरिंग वगैरह कर रखे हैं, मतलब क्या चीज आपकी चल रही है या फिर कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा परसुइंग, मतलब आपकी रनिंग में चल रही है, परसुइंग का मतलब होता है रनिंग में चल रही है, अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो यहाँ पर कंप्लीट पर टिक लगाएंगे। मैं यहाँ पर परसुइंग करता हूँ, मेरी मतलब रनिंग में चल रही है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और देखने के लिए मिलेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह आपकी चल रही है या फिर नॉन इंजीनियरिंग चल रही है। जैसे बहुत से कैंडिडेट की यहाँ पर ग्रेजुएशन वगैरह चल रही है, बहुत से लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग आगे ले लेते हैं, उनकी इंजीनियरिंग चल रही है, तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। जैसे अगर आपके पास ग्रेजुएशन वगैरह चल रही है, कोई भी आपने बीए बीएससी वगैरह कर रहे हैं, तो यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग वाला सभी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप अगर आप आर्ट्स वगैरह ले रखा है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमर्स ले रखा है, साइंस ले रखा है, जो भी आपने ले रखा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले रखे होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग वो करते हैं, तो यहाँ पर मैं इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अदर। अब बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है उनको, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उनको फिल करना पड़ेगा। जैसे सीएस वगैरह उन्होंने ले रखा है कुछ, तो वह यहाँ पर अपनी डिटेल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सॉरी साइंस वगैरह कर सकता हूँ क्योंकि मैं बीएससी वगैरह कर रहा हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपनी एजुकेशन की पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने के। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो ऐप की लिंक डाल रखी है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग पर भी अच्छा खासा रुपए वगैरह बचा सकते हैं। फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है।